हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की हमारी सीरीज़ में जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है सामान्य विज्ञान। तो जनरल साइंस पढ़ चुके लोगों को आज जो है मज़ा आने वाला है सीरीज़ में, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चलिए, बहुत सारी वैकेंसीज़ और आ गई हैं, आप लोग आई एम श्योर देख चुके होंगे उनको नोटिफिकेशन वगैरह में। तो उसको जो है उस पर अप टू डेट रहिए, आप लोग देखते रहिए, और जिनको जिनको एलिजिबिलिटी जो लगता है कि वो एलिजिबल हैं तो वो सब जो है प्लीज़ फॉर्म ज़रूर फिल करें। तो आज की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे। समुद्री मील किसका माप है, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश मीडियम नॉटिकल मील भी बोलते हैं, इसको नॉटिकल मील किसका माप है? तो सौर विकिरण का, गोलाकार वस्तुओं की वक्रता का, जहाज़ की गति का, तो भूकंप की तीव्रता। तो देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस जिनको नहीं पता है, समुद्री मील की बात हो रही है तो जाहिर है इसे सौर विकिरण और बाकी किसी और ऐसी चीज़ का जिसे समुद्र से लेना देना नहीं है उसका नहीं होगा, ठीक है? तो जहाज़ की गति जो बेसिकली है वो समुद्री मील या नॉटिकल माइल्स में वो जो है मेजर की जाती है, ठीक है? तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा आपका सी। और भूकंप की इंटेंसिटी जो है वो आपको पता है कि वो रिक्टर स्केल में देखते हैं हम, ना कि इसमें। चलिए, एक समुद्री मील बराबर भी ध्यान रखिएगा आप कि एक समुद्री मील इज़ इक्वल टू 1.15 मील प्रति घंटे, यानी पर आर के हिसाब से 1.15 मील होता है एक समुद्री मील जाके। तो ये बेसिकली नॉटिकल मील कब पॉपुलर हुआ? 17वीं शताब्दी में तो जा करके ये पॉपुलर हुआ था, जब नाविकों ने एक सामान्य लॉग नामक उपकरण का उपयोग करके अपने जहाज़ की गति को मापा था। तो मापना, उसके बाद उसकी उस इकाई वगैरह दे दी। तो ये जो है आपका इसका एक्सप्लेनेशन था। चलिए, निम्न में से कौन सा ध्वनि की पिच निर्धारित करता है? ध्वनि की पिच, आप लोग पिच वगैरह देखते हैं ना कि पिच इसका ऊपर है नीचे है, आप लोग देखते हैं, सेट भी करते हैं कुछ लोग। तो क्या ऐसी चीज़ है जो उसकी पिच को डिफाइन करती है, उसको डिसाइड करती है क्या है? आयाम, आवृत्ति, प्रबलता या तरंग दैर्ध्य? तो देखिए, यहाँ जो आप लोग अगर बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आवृत्ति है जो आपकी पिच डिसाइड करती है। आवृत्ति घटने बढ़ने से आपकी पिच पे डायरेक्टली असर होता है, और आवृत्ति बेसिकली जो है वो इक्वल होती है तरंग दैर्ध्य के। जिस तरंग दैर्ध्य की जो है वो ध्वनि तरंगे होंगी, आवृत्ति उतनी ही धीमी तेज़ होगी, ठीक है, उनकी तरंग दैर्ध्य के हिसाब से। तो बस यहाँ जो आपको राइट ऑप्शन पकड़ना था वो यही है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, पिच एक लहर की आवृत्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है, और आवृत्ति तरंग दैर्ध्य और गति का संयोजन होता है जिस पर एक लहर यात्रा कर रही है, ठीक है? अभी मैंने आपको यही बात समझाई। तो हाँ, तीसरा क्वेश्चन हमारा, देखिए, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? ये पलायन वेग आप लोग आई एम श्योर समझ रहे होंगे, ये वो वेग है जिस वेग से किसी वस्तु को फेंकने पर वो सीधे वायुमंडल क्रॉस करके पृथ्वी से बाहर चली जाती है, ठीक है? जैसे कि जिस जिस वेग पे, जिस गति से हम हमारे रॉकेट वगैरह का प्रक्षेपण करते हैं। तो ये बताना है क्या है, 11.2 किलोमीटर पर आर, 11.2 मीटर पर आर, 11.8 मीटर पर आर या 11.8 किलोमीटर पर आर? तो पहले तो ये बताइए, सब मिलते जुलते हैं, अभी बताना है कि किलोमीटर पर आर में है या मीटर में। तो देखिए, यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा आपका, 11.2 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आप फेंकेंगे तो वो जाएगी कहाँ, पृथ्वी से बाहर, ठीक है? इस स्पीड से भेजने पर ऐसी कोई भी चीज़ आप जो उछाल रहे हैं वो इस स्पीड से अगर आप उछाल सकते हैं तो फिर वो बाहर चली जाएगी, देखिए, पृथ्वी के वातावरण से बाहर। न्यूटन का पहला नियम कहलाता है, न्यूटन का पहला नियम, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, घूर्णन का, जड़त्व का, ऊर्जा का, संवेग का। तो घूर्णन का कोई नियम तो न्यूटन का था ही नहीं, जड़त्व का, ऊर्जा का और संवेग का। तो जड़त्व का नियम जो है वो पहला नियम था उनका। क्या मतलब था? कि कोई वस्तु जब तक स्थिर है, जब तक स्थिर ही रहेगी तब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और अगर कोई वस्तु गति में है तो तब तक गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बल लगा के या कोई अन्य कारण से उसको रोका ना जाए, ठीक है? तो बेसिकली यही है आपका जड़त्व का नियम, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसको जड़ता का नियम के भी रूप में जाना जाता है। अब विराम अवस्था में वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी, और गतिमान अवस्था में एक वस्तु एक ही गति के साथ गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगाया जाता है। तो यही चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा समझती हुई चलनी है। साइरस शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, इंग्लिश मीडियम यहाँ पे इसका जो है मीनिंग CIRRUS, सिरस भी बोलते हैं इसको, ठीक है? तो साइरस शब्द आपको बताना है क्या है, साइरस या सिरस? तो कम ऊंचाई वाले बादल, बारिश वाले बादल, उच्च ऊंचाई वाले बादल या ओलों की बारिश के बादल।
तो कम ऊंचाई वाले तो नहीं होंगे, बारिश वाले बादल बेसिकली स्ट्रेटस और निम्बस होते हैं, ठीक है। हिंदी में उसको जो है पक्षा पक्षाभ और ये सब कपास इस तरीके ये सब बोलते हैं। हाँ, उच्च ऊंचाई वाले बादल जो हैं वो आप देखेंगे जब साइरस आप पढ़ेंगे, सिरस या साइरस, तो उच्च ऊंचाई वाले बादल होते हैं काफ़ी अलग अलग, जैसे किसी का पंख बना हुआ आपको इमेजिन होता है, काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये बारिश से इनका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, ये बारिश वाले नहीं होते। ऊपर आप जब को आप उसको आकृति जैसी बने हुए देखेंगे, दूर में किसी चिड़िया का पंख जैसा लगेगा, या फिर आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के उसमें फॉर्म दिखेंगे, तो समझिएगा वो काफ़ी ऊंचाई पे, तो वो सिरस साइरस जो बादल होता है उसका एक प्रकार है। और पंख वाले सफ़ेद पैच या बर्फ क्रिस्टल के बैंड से बने होते हैं, ठीक है, एक इसी टाइप का कुछ आपको देख के लगता है कि वो है बर्फ। तो ये ऐप के बारे में डिस्क्रिप्शन है, जो लोग इंस्टॉल नहीं करे हैं वो लोग एक बार जाके प्ले स्टोर से ज़रूर इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। लेज़र का पूरा रूप क्या है भाई? चलिए लेज़र का पूरा रूप बताते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें और बहुत ज़्यादा सारे ऑप्शन पढ़ना है। लाइट एम्पलीफाइड बाय स्टीम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, नहीं, एम्पलीफाइड बाय स्टीम्युलेटेड इमर्जन, नहीं, एम्पलीफिकेशन, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टीम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रेडिएटर है ये, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टीम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएटर, तो ये इसका पूरा रूप है। जो लोग लेज़र 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 बीम करते रहते हैं तो उनको शायद पता नहीं होगा, आज पता हो गया। लेज़र एक उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है। ये विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जरिए ये प्रकाश उत्सर्जित करता है। और लेज़र शब्द विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन के लिए एक संक्षिप्त शब्द के रूप में उभरा है, जिसका कि ये मतलब है। लेज़र का पूरा रूप लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमेजन ऑफ रेडिएशन है। मैंने ऑप्शन गलत पढ़ दिया है शायद, रेडिएटर नहीं है, इसके ऊपर वाला रेडिएशन है। ओके सॉरी, इसको जो है ध्यान रखिएगा, रेडिएटर नहीं है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमेजन ऑफ रेडिएशन है। ओके, यहाँ असल में इन्होंने ये भी गलत लिख दिया ऑप्शन। ओके, तो ये यहाँ पे सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए हमेशा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना चाहिए, वरना मेरे जैसी गलतियाँ आप लोग आराम से कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया करिए। और कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन पढ़ने पे भी हमारे दिमाग में पता नहीं क्या होता है, सही आते हुए भी हम गलत चीज़ों पे एग्ज़ाम हॉल में टिक करके आते हैं, ये कई बार होता है। तो उस इस तरह की गलतियों से बचें। इसके लिए क्या होता है, हिंदी वर्जन जिनको नहीं समझ में आता है वो लोग इसका इंग्लिश वर्जन लिख लें, उसके बाद फिर देखें कि कहाँ पे क्या निकल रहा है। तो ये रेडिएटर नहीं है, रेडिएशन है, बाकी सब ठीक है, राइट। हमें घर के बाहर रसोई से गर्म भोजन की गंध किस वजह से आती है? मतलब आप जो एक स्मेल फील करते हैं जब आप घर में एंट्री करते हैं, जैसा आप लोगों के साथ होता होगा, सबके साथ, तो बेसिकली वो किस प्रोसेस का नतीजा है? वाष्पीकरण, उबलना, प्रसार या ऊर्ध्वपातन? तो देखिए, ऊर्ध्वपातन से नहीं होगा, ऊर्ध्वपातन अलग ही प्रोसेस है, और उबलने से नहीं मतलब है, जब तक उसका प्रसार नहीं होगा तो कितना भी उबलता रहे आप नहीं उसको कर सकते, तो ये बेसिकली प्रसार के कारण होता है, ठीक है। जो अलग अलग विकिरण के माध्यम से जो आपकी जो वो है पूरे सब उसके कण है जो उड़ के जा रहे हैं, और फिर आप उसमें आप उसको सूंघ रहे हैं, आपको पता चल रहा है, तो ये प्रसार है, ठीक है, बस आपको इतना पढ़ना है। प्रसार के कारण घर के बाहर रसोई से गर्म भोजन की गंध मिलती है, ये एक शारीरिक प्रक्रिया है जहाँ उच्च सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र में सामग्री के अणु स्थानांतरित होते हैं, और प्रसार आमतौर पर गैस या तरल में एक विलयन होता है, ठीक है, एक विलयन होता है। प्रकाश संश्लेषण आमतौर पर पौधे के किन हिस्सों में होता है? अब ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, अभी तक फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ा है हमने, लेकिन ये अब आपको बताना है कि पत्ते और तने में, पत्ते और अन्य क्लोरोप्लास्ट असर वाले हिस्से में, यानी जिनमें क्लोरोप्लास्ट है, तने और जड़ में, तने और क्लोरोप्लास्ट के असर वाले हिस्से में। जैसे कि पत्ते में तो होता ही होता है, तने में भी होता है, लेकिन यहाँ तना ना लिख के अगर तने के साथ क्लोरोप्लास्ट भी जोड़ देते तो ए नंबर सही होता, क्योंकि हमें क्लोरोप्लास्ट वाले सारे हिस्सों को लेना है, तो पत्ती और क्लोरोप्लास्ट वाले सारे हिस्सों में इसका जो है वो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। जड़ में तो होने से नहीं, जड़ में तो ऑब्वियसली नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उसके लिए तो बेसिक नीड होती है सूर्य का प्रकाश, जो कि जड़ तक नहीं जा रहा है, ठीक है। अब ये सारे क्लोरोप्लास्ट वाले हिस्सों में जो है होता है, और ज़्यादातर ये पैरेन्काइमा कोशिकाओं में पाया जाता है, और पैरेन्काइमा तने में होता है। तो अल्टीमेटली आप चाहे तना पत्ती, अगर वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट वाला ऑप्शन नहीं होता तो हम पत्ती और तना ही लगा के आते,
अब इनमें से कौन सा परिसंचरण तंत्र में रक्त का सही मार्ग है, यानी कि जब पंप होता है हार्ट से, जब हार्ट से आपका ब्लड पंप होता है उसके बाद वो कहाँ जाता है, मतलब सबसे पहले कहाँ जाता है? तो देखिए, सबसे पहले वो तो परिकोष्ठ में आएगा, उसके बाद आपका जो है वो निलय में जाएगा, फिर निलय से धमनी में और नसों में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ही यहाँ पे सही लग रहा है, वही सही है, निलय धमनी नसें, बस इतना सा जो है डिफरेंस है, ठीक है। बाएं निलय से धमनी में और धमनी से नसों में, एंड देन फिर वो ऐसे करते हुए शिरा से होते हुए वापस आता है फिल्टर होने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस जो है आपका परिसंचरण तंत्र में चलता है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप इसको किसी अच्छे रेफरेंस बुक से, क्योंकि इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से काफ़ी बार एग्जाम में काफ़ी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक बार इसे देख लेना चाहिए। अब परिसंचरण तंत्र में बाएं निलय से धमनियों के माध्यम से शरीर के ऊतकों में कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है, और ऊतक कोशिकाओं से ऑक्सीजन रहित रक्त नसों की एक प्रणाली के माध्यम से दिल के दाहिने आलिंद के माध्यम से लौट जाता है। बस यही समझना है। निम्न में से कौन सी जोड़ी उपास्थि मछली से संबंधित है, यानी कि अस्थि नहीं, अस्थियों की जगह पे उपास्थि से बन रही है, उपास्थि उनके शरीर में, उन मछलियों के शरीर में अस्थि नहीं, उपास्थि का, उपास्थि क्या होती है बेसिकली, थोड़ा सा लचीली हड्डी, मतलब वो प्रॉपर हड्डी नहीं होती है, उसमें जो है आप उसको लचीलापन आप उसमें देख सकते हैं वगैरह वगैरह। शार्क और टूना, शार्क और रे, स्कैट्स और हिल्सा, और रे और ईल। तो देखिए, शार्क और रे ये जो दो हैं मछलियाँ, इनका जो है शरीर उपास्थि से बना होता है, ना कि अस्थियों से। इसके अलावा और बहुत सारी कुछ मछलियाँ हैं जो इससे रिलेटेड होती हैं, उपास्थि से बनता है इनका शरीर, एक बार देखते हैं वो भी। उपास्थि मछली में हड्डी के बजाय उपास्थि से बनाया गया कंकाल होता है जो कठोर और लचीली होती है, और इन मछलियों को बड़े आकार में विकसित होने के लिए पर्याप्त संरचनात्मक समर्थन देती है, बस इसीलिए इनका शरीर जो है इसके लिए अनुकूल होता है उपास्थि मछली की वजह से। शार्क, रे, स्केट्स और हाथी मीन, ये सब मछलियाँ जो है वो शामिल हैं इस उपास्थि वाली मछली में, ठीक है। वायरस के द्वारा इनमें से कौन सी बीमारी फैलाई जाती है, चलिए ये हमेशा का फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम्स का, बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद, फंजाई और प्रोटोजोन से होने वाली बीमारियों पर आपको लिस्टिंग पूछी जाती है, पोलियो, प्लेग, स्टेटनेस और कोड। तो देखिए, बाकी के तीनों जो है वो नहीं है, बाकी के तीन मतलब बी सी डी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्लेग जो है वो जीवाणु से हो रहा है, एक प्रोटोजोआ से हो रहा है, टिटनेस का भी जीवाणु है, ठीक है, टिटनेस, और कोड जो है वो बेसिकली कोड का भी जो है फंगल इन्फेक्शन और उसके जीवाणुओं की वजह से होता है, देख लीजिएगा आप इसको एक बार। लेकिन पोलियो जो है, आपको पता है कि पोलियो वायरस के थ्रू हो रहा है, वायरस से होता है, और पोलियो का टीकाकरण भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है, हमको एक निश्चित सन तक उसका पूरा करना था टीकाकरण, जो हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो पोलियो जो है वो वायरस से फैलने वाली बीमारी और संक्रामक बीमारी है, ये भी ध्यान रखिए। पोलियो एक गंभीर और संभावित खतरनाक संक्रामक रोग है जिसका वायरस कारण है। वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, तो बेसिकली आदमी ना लिख के बच्चा लिख देते, क्योंकि ये बच्चों की बीमारी है, शिशुओं की बीमारी है, तो आदमी से दूसरे, बच्चे से बच्चे में फैलता है, तो और दिमाग तक रीढ़ की हड्डी में जा, दिमाग से रीढ़ की हड्डी पर आक्रमण करके पक्षाघात तक कर सकता है। काफ़ी ख़तरनाक वायरस था, जिसका मतलब अब तो काफ़ी हमारा टीकाकरण हो गए उसको एक हद तक ख़त्म कर लिया है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, ओके, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, भाई बताइए। एनीमिया मतलब आरबीसी कम हो गई, ब्लड कम हो रहा है। हीमोफीलिया नहीं, हीमोफीलिया में तो क्या होता है कि वो आपको चोट लग गई तो वो खून निकलता जा रहा है, वो रुकता नहीं है, थक्का नहीं बनता। और पॉलीसाइथेमिया, ल्यूकेमिया, देखिए ल्यूकेमिया जो होती है वो WBCs के बढ़ने की वजह से होती है, ठीक है, इतना ज़्यादा बढ़ती है, इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि ल्यूकेमिया हो जाता है, इसको ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। सी ऑप्शन जो है पॉलीसाइथेमिया, जिनको नहीं पता है बता दूँ, ये RBCs के बढ़ने से होता है, जब लाल रक्त कणिकाएं हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो आपको, आपका जो ब्लड है व्यक्ति का वो गाढ़ा होने लगता है। गाढ़ा होने से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होने की समस्या, हार्ट अटैक वगैरह होने की समस्या, ये सारी चीज़ों का खतरा बढ़ जाता है, इसी को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। ये बीमारी होती है आरबीसीज के बढ़ने से, और बोन मैरो से रिलेटेड ये बीमारी है जिसमें उसमें विषमता आ जाती है, ठीक है। बोन मैरो क्या होता है भाई, एक विशेष स्पंज की तरह मोटा ऊतक जिसमें ब्लड स्टेम सेल्स रहते हैं, और ये स्टेम सेल्स कुछ बड़ी हड्डियों के भीतर रहते हैं, अपने आप को श्वेत और लाल रक्त कणिकाओं और प्लेटलेट्स में बदलते रहते हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है वो बोन मैरो में ही चलता रहता है, तो अगर वहाँ कुछ गड़बड़ होती है तो बोन मैरो ही इफेक्ट होगी उसकी वजह से, ये ध्यान रखना है। जीवाणु पहली बार द्वारा ज्ञात किया गया था, यानी कि किसने पहली बार जीवाणु को खोजा था, WH स्टैनली, लुई पास्टर, ए वी लियोवेनहॉक और रॉबर्ट कोच।
तो भाई नाम पढ़ते ही आपको पता चल गया, एवी लियोमन हॉक जो है वो उन्होंने जीवाणु की खोज की थी, उन्होंने ज्ञात किया था, ठीक है। प्रोटोजोआ की खोज की थी जो कि एकल कोशिका जीवों, और उन्होंने उसे पशुधन कहा था, एकल कोशिका जीव था, ठीक है। उन्होंने माइक्रोस्कोप में सुधार किया और सूक्ष्म जीव विज्ञान के लिए नींव रखी, और मांसपेशी फाइबर बैक्टीरिया शुक्राणुजन और कोशिकाओं में रक्त प्रवाह का अध्ययन करने के लिए उन्हें अक्सर पहला सूक्ष्म जीव विज्ञानी के रूप में भी याद किया जाता है, वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ये याद रखिएगा, सूक्ष्म जीव विज्ञानी के रूप में भी याद किया जाता है। काफ़ी सारे जो है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन है इस क्षेत्र में। तो जी ये कुछ कोर्सेज हैं जिनके बारे में आपको मैं बार बार बताती हूँ, अगर इसकी कोई अधिक जानकारी आप चाहें तो देखिए, आपको स्क्रीन पर सब कुछ दिख ही रहा होगा जो भी हमारा चल रहा है, और बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो इस वाले नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं डिटेल्स वगैरह के लिए। निम्न में से किसको सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे हिंट देने की ज़रूरत है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो सारे कॉस्मेटिक्स में जो बड़ा बड़ा और शैम्पू वगैरह में अलग लिखा होता है और एडवर्टीजमेंट भी सब लोग देखते होंगे आप लोग, तो विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन ई, तो विटामिन ई जो है वो क्या है, सौंदर्य विटामिन भी है, ठीक है। बालों का रंग और टोन आदि के विकास के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और आप कुछ ऐसा कंसर्न बताते हैं कि आपके बाल ख़राब हो रहे हैं, आपका ऐसा हो रहा है, स्किन वो हो रही है, तो वो आपको एक विटामिन ई की आपको कैप्सूल वो देते हैं, सजेस्ट करते हैं वो आपको खाने के लिए। तो बस गन धातु की संरचना क्या है? ये गन मेटल की बात हो रही है बेसिकली, गन मेटल जिससे कि स्टील की जगह पे आप गन मेटल का यूज़ करके जो है वो बनाने के लिए बंदूक वगैरह, तो उसमें क्या मटेरियल जो है वो मिक्स होता है, किस कंपाउंड में ये बताना है। तो तांबा, तो देखिए उसमें 88% तांबा, टिन और जस्ते का मिक्सचर होता है, ठीक है, तीन चीज़ों का मिक्सचर होता है, बस ये ध्यान रखना है कितना कितना होता है, ये अगर याद करना चाहें तो कर लीजिए। सबसे ज़्यादा पोर्शन तांबे का होता है, फिर 8 से 10% टिन और 2 से 4% जस्ता यानी कि जिंक होता है, ठीक है, ये आपका होता है गन मेटल। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में लाल पीतल के रूप से भी जाना जाता है, जो कि एक विशेष प्रकार का कांस्य है जो तांबा, टिन और जस्ता का एक मिश्र धातु है, और 88% तांबा आज से ये वही सब है, और मुख्य रूप से बंदूक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बस केल्प क्या है? केल्प, अब बताइए केल्प क्या है? सल्फाइड लोहे के खनिज है, आंशिक रूप से विघटित वनस्पति है, आयोडीन सामग्री में समृद्ध समुद्री शैवाल है, या एक एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज है। देखिए केल्प वगैरह आपने पढ़ा होगा, ये रोगों के उपचार में यूज़ होने वाला एक शैवाल है, इसमें आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एक समुद्री शैवाल है जो कि आयोडीन अपने अंदर आयोडीन कंटेंट बहुत ज़्यादा लिए हुए होता है, तो जिनको वो घेंगा रोग होता है जिसमें आयोडीन की कमी से जो होता है, तो उनके उपचार के लिए भी ये जो है यूज़ किया जाता है, एक समुद्री शैवाल है जिसको केल्प बोलते हैं, ठीक है। केल्प ये बड़े समुद्री शैवाल होते हैं जिसमें आयोडीन की इसकी उच्च एकाग्रता के कारण लैमिनरल्स नाम का भूरे रंग का पदार्थ निकलता है, ये पदार्थ जस्ट इग्नोर इट, ये आपसे नहीं पूछेगा, बस हाँ किस बीमारी के उपचार के लिए यूज़ होता है और ये बेसिकली है क्या, बस ये बताना है। तो अ काइंड ऑफ शैवाल, अ काइंड ऑफ एल्गी, थायराइड ग्रंथि के इलाज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और थायराइड की थायराइड में ही जो उसकी मतलब खराबी की वजह से आपका आयोडीन लेवल कम ज़्यादा होता है, तो बस वही है। निम्न में से कौन सा शुष्क बर्फ़ के रूप में जाना जाता है? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अतिशीतित हीलियम, शून्य आर्द्रता के साथ जमा हुआ पानी, और ठोस CO2 और ठोस NO2। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शुष्क बर्फ़ के रूप में जाना जाता है, जिसे गर्म करने पर वो सीधे गैस में बदल जाता है, और यही प्रोसेस जो है कि कोई भी ठोस गर्म करने पर पानी न बनके पहले सीधे गैस बन जाए, दिस इज कॉल्ड ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी जाना जाता है। किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है, मतलब लोहे की सबसे ज़्यादा मात्रा किस लौह अयस्क में होती है, ये बताना है। लेमोनाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट। तो खनिज वाला जो चैप्टर ज्योग्राफी में भी आप लोग पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, मैग्नेटाइट में 72% से 75% तक लोहा होता है, काफ़ी अच्छा आपको उसमें लौह अयस्क मिलता है देखने को, मतलब सॉरी उसमें लोहे की मात्रा इतनी मिलती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जाएंगे तो आप हेमेटाइट देखेंगे, हेमेटाइट में 70%, लेमोनाइट में 55% और सिडेराइट में 48%, यानी सबसे ख़राब क्वालिटी का सिडेराइट होता है, ये आप कह सकते हैं। निम्न अभिक्रिया में रिक्त स्थान भरिए, अम्ल प्लस क्षार, बेसिकली आपको ये अभिक्रिया पूरी करनी है कि अम्ल और क्षार मिलने से क्या बनता है, तो CO2 बनती है, कि धातु ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है या नमक बनता है।
तो ये आप जब अम्ल और क्षार का कॉम्बिनेशन लेते हैं, जब आप इसकी क्रिया कराते हैं, तो बेसिकली नमक और जल आपको प्राप्त होता है एज अ प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, ठीक है। एक अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया को तटस्थ अभिक्रिया भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इस अभिक्रिया के उत्पाद जो है वो नमक और जल है, ठीक है। अम्ल और क्षार इज इक्वल टू नमक प्लस जल, थोड़ा सा नया होगा ये आपके लिए, आई एम श्योर बहुत से लोगों ने नहीं इस तरह का क्वेश्चन अभी तक देखा होगा। टेरेलिन इथिलीन ग्लाइकोल किस एसिड का एक संघनन बहुलक है, यानी कि जो पॉलीमर है, ये पॉलीमर है, ठीक है। टेरेलिन इथिलीन ग्लाइकोल, पहली तो बात ये बताइए कि किसका बहुलक है और ये किसके लिए यूज़ होता है। तो बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, पैथेलिक एसिड या टेरेफेथिलिक एसिड। तो राइट ऑप्शन बता दूँ मैं आपको, टेरेफेथिलिक एसिड का बहुलक है ये टेरेलिन इथिलीन ग्लाइकोल। अब जो यूज़ होता है ये, जो आप लिनन वगैरह की बेडशीट लेते हैं, जो इस तरह का कपड़ा लेते हैं जिसमें सिलवट नहीं पड़ती है, ठीक है, इस तरह का जो कपड़ा होता है वो इसके ही फाइबर के द्वारा बनाया जाता है। ये बेसिकली एक फाइबर होता है कृत्रिम। टेरेलिन इथिलीन ग्लाइकोल टेरेफेथिलिक एसिड का संघनन बहुलक है और ये पॉलिएस्टर से बना कृत्रिम कपड़ा फाइबर है, वह कपड़े का रेशा है जो कि क्रीज प्रतिरोधी कपड़े, वही जो सिल्वर जिसमें ना पड़े, और बिस्तर जो लिनन के बिस्तर बनते हैं पाल बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो बस प्रयोग है और इसका बहुलक किसका है, ये बेसिक आपको नॉलेज लेनी थी। तो आज का हमारा सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं और जो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं उसको इग्नोर कर दिया करिए। सेशन कैसा लगा ये बताइएगा और कैसी तैयारी आपकी चल रही है, कोई डाउट है तो आप उसके लिए कॉमेंट कर दिया करें। तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू।